हेलो फ्रेंड्स, बच्चों सब लोग का स्वागत करता हूँ अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू सम नाउंस आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल राइट नाउ। और बच्चों, मैंने इनके बारे में ये भी थोड़ा आप लोगों को समझाया था, एडवाइस इंफॉर्मेशन लगेज बैगेज ब्रिकेज। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि एडवाइस में अगर आप एसएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। एडवाइसेस मतलब सूचनाएं और एडवाइस मतलब बच्चों सलाह। लास्ट टाइम ये सब कुछ मैं आप लोग से डिस्कस कर लिया है राइट नाउ। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें ओके। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर इनको काउंट करें। अच्छा बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है राइस। बच्चों कभी कहा है मेरे पास 2 राइसेस हैं, मेरे पास 3 राइसेस हैं। हम राइस लेने जाते हैं तो किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, हम लोग क्विंटल में लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा वुड। अगर हमें लकड़ी लेनी तो क्या कहेंगे, मुझे 2 लकड़ी दे दो, मुझे 3 लकड़ी दे दो, दैट इज रॉन्ग। कभी नहीं बोलेंगे गिव मी 2 वुड, गिव मी 3 वुड्स, गिव मी 7 वुड्स। बिकॉज बच्चों मैंने बताया था वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल। ऐसे ही बच्चों मैंने बताया था एडवाइस और एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। अगर आप इंफॉर्मेशन में एस एस लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये सब मैंने बताया था। लगेज का प्लूरल आप लगेजेस नहीं बना सकते बिकॉज लगेज बच्चों को भी वर्ड ही नहीं होता। ऐसे मैंने बताया था इनमें आप लोग एस एस लगा कर मीनिंगलेस हो जाएंगे। और मैंने कहा था अगर मुझे 3 काम है तो आप नहीं बोलेंगे आई हैव 3 वर्क या 3 वर्क्स। क्योंकि बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया था कि वर्क मतलब काम और वर्क्स मतलब रचना है राइट नाउ। और बच्चे अगर इक्विपमेंट को काउंट करना है तो नहीं कहेंगे 3 इक्विपमेंट 4 इक्विपमेंट्स बिकॉज इक्विपमेंट्स कोई वर्ड ही नहीं होता। अब देखिए पोएट्री, कभी कहा है आई लर्न 3 पोएट्रीज बिकॉज एस आई एस लगा कर बच्चों कोई वर्ड ही नहीं होता। तो शायद मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ राइट ना। कभी कहा है पानी को काउंट करने के लिए, भाई मैंने 3 पानी पिया है, आई हैव ड्रंक 3 वाटर या 3 वाटर्स। कि वाटर का मतलब भी मैंने बताया है, वाटर्स का मतलब भी मैंने आपको बताया है राइट। जैसे फर्नीचर है कभी बोलेंगे 3 फर्नीचर्स 4 फर्नीचर्स, बट इसका कोई मतलब ही नहीं होता। गाड़ी में पेट्रोल डालने जाते हैं क्या बोलते हैं, भाई 4 पेट्रोल्स डाल दे, 4 पेट्रोल्स डाल दे। क्यों बच्चे हम क्या बोलते हैं, गिव मी 3 लीटर पेट्रोल। मिल्क है, मिल्क लेने जाते हैं तो बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, गिव मी 3 मिल्क्स। बोलते हैं क्या, कभी भी नहीं बोला है, हम बोलते हैं गिव मी 3 लीटर मिल्क। तो बच्चे इन नाउन को हम किसी ना किसी क्वांटिटी में काउंट करते हैं। ऐसे मिल्क को हम ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं बच्चों, लीटर में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं। पेट्रोल को हम लीटर में लेते हैं। ऐसे फर्नीचर को हम किस में काउंट करते हैं, क्वेश्चन ये है। फूड कभी कहा है गिव मी 3 फूड्स, गिव मी 4 फूड्स, कभी नहीं। आइस लेने जाते हैं, कभी बोला है गिव मी 4 आइसेस 5 आइसेस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर आपने इनमें आइसेस लगाया तो ये मीनिंगलेस हो जाते हैं बच्चों, या इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और मैंने ये भी बताया किसका मीनिंग चेंज होगा और कौन मीनिंग लेस होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, और देखिए आई हैव रिटन हियर क्लियरली, डोंट यूज ए एन 1 2 3 4 मैनी फ्यू दिस नाउन। इन नाउन से पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनसे पहले 1 2 3 4 फ्रेजेस का यूज कर ही नहीं सकते बच्चे। यहीं पर अगर बात करें, देखिए हम लोग बात करें स्टेशनरी। बच्चे स्टेशनरी का प्लूरल कभी भी स्टेशनरीज नहीं बोल बन सकता बच्चे। यहीं पर अगर बात करें, देखिए सीनरी, क्या बच्चे सीनरी का प्लूरल सीनरीज, मैंने डिस्कस भी किया था, कभी नहीं हो सकता बच्चे। हम लोग बात करें ऐसे बहुत सारे नाउन है, देखिए पेंट, आप पेंट जानते हैं ना बच्चों, क्या पेंट के प्लस पेंट्स हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चे आपको समझना पड़ेगा काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये भी मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है राइट ना। तो बच्चे क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने उसको 3 इंफॉर्मेशन दी, मैंने उसको 4 सलाह दी है, तो हम लोग क्या यूज करें, मैंने 4 काम किए हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मेरे पास 4 इक्विपमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे। मैंने कहा अगर हमें वुड को काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करें, हम लोग को पेपर को काउंट करना है तो कैसे काउंट करें। बिकॉज हम ये तो बोल नहीं सकते क्या देर आर 3 पेपर या देर आर 3 पेपर्स बिकॉज दैट इज रॉन्ग। अब मिल्क को काउंट कर लेते हैं हम लोग लीटर में, केजी में। अब मेरी बात को अच्छे सुनेंगे बच्चों, देखिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और आई एम राइटिंग हेयर, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। अगर बच्चे आप लोग मिल्क को काउंट करते हैं तो मिल्क को आप लोग काउंट करते हैं लीटर में, पेट्रोल को काउंट करते हैं लीटर में, राइस को काउंट करते हैं किसमें बच्चे, केजी में एम राइट। तो फर्नीचर को हम लोग किस में काउंट करें, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर बच्चे नाउन को आपको काउंट करना है
तो आप लोग काउंट करेंगे इसमें बच्चे पीस में, इसमें काउंट करेंगे बच्चे पीस में आप लोग काउंट करेंगे, और पीस का जो प्लर होता है बच्चे वो क्या होता है, पीसीज होता है। आप लोग इनको काउंट करेंगे और देखिए पीस का मतलब यहाँ पर टुकड़ा नहीं है, पहले तो मेरी बात को अच्छे समझिए, पीस का मतलब टुकड़ा नहीं है, पीस एक्चुअली एक यूनिट है जिसमें एडवाइस को काउंट करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन को काउंट करेंगे, लगेज को काउंट करेंगे, वर्क को काउंट करेंगे, इक्विपमेंट को काउंट करेंगे, वुड को काउंट करेंगे, पेपर को काउंट करेंगे, मतलब पहला वर्ड मैंने क्या लिखा है, पीस ऑफ। और बच्चे जो खाने पीने वाली चीजें हैं उन्हें काउंट करते हैं हम लोग स्लाइस में बच्चों, और स्लाइस का प्लूरल क्या होता है, स्लाइसेस ऑफ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली खाने पीने वाली चीजों को बच्चों हम लोग पीस में भी काउंट कर सकते हैं और हम लोग स्लाइस में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें ब्रेड, बच्चे ब्रेड भी मैं यहीं पर लिखने वाला हूँ, बिकॉज ब्रेड इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। हम लोग ब्रेड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं गिव मी टू पीसीज ऑफ ब्रेड। अब खाने पीने वाली चीजों का आप ब्रेड में काउंट करिए, आप स्लाइस में काउंट करिए, और बच्चों आप चाहें तो आप लोफ में काउंट करिए। खाने पीने वाली चीजों के लिए लोफ भी अच्छा माना जाता है, और देखिए मैंने लोफ का प्लूरल यहाँ पर क्या लिखा है, एल ओ ए वी एस, आप लोफ में एस नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, अगर काउंट करना है, अगर हमें कहना है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए मैंने क्या बोला है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चे आप लोग नहीं बोल सकते ही गेव मी अ इंफॉर्मेशन या ही गेव मी ए एन इंफॉर्मेशन, ना तो आप इंफॉर्मेशन से पहले ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते हैं, ना इससे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कभी 1 2 3 4 का यूज ना करें, दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो बच्चे अगर काउंट करना है इंफॉर्मेशन को तो किसमें काउंट करें, पीस में काउंट करें, एडवाइस में काउंट करें, लगेज को काउंट करना है पीस में काउंट कर लें, लेकिन खाने पीने वाली चीजों के लिए दो वर्ड का बच्चे बहुत अच्छा यूज माना जाता है, स्लाइस का और कैसे लोफ का, अभी मैं यूज करके भी आपको दिखाऊंगा। कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, इक्विपमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर बच्चों, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को हम लोग किस में काउंट कर लेते हैं, हम लीटर में काउंट कर लेते हैं, हम राइट ना। कभी कभी अगर हम चाहें बच्चे तो इन चीजों को काउंट करने के लिए आइटम ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, क्या आईटीएम, आइटम ऑफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, आइटम्स ऑफ हो जाएगा बच्चे। तो आप लोगों को काउंट करना है, काउंट कैसे करना है ये आप लोग को देखना है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो बोल रहा हूँ। कभी कभी अगर ये भी वर्ड अच्छे नहीं लग रहे, जैसे मैंने कहा आइटम ऑफ, और आइटम का प्लूरल क्या है, आइटम्स ऑफ, तो आप यूज कर सकते हैं बच्चे टाइप ऑफ, और टाइप का प्लूरल सब लोग जानते हैं क्या होता है, टाइप्स ऑफ। आप चाहे तो यू कैन यूज विद दीज वर्ड्स काइंड ऑफ एंड बच्चे क्या, काइंड्स ऑफ, मतलब अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट की तो यू कैन से आई हैव, क्या आप लोग बोल सकते हैं आई हैव टू इक्विपमेंट, कभी नहीं, बिकॉज इक्विपमेंट अकाउंटेबल नाउन है, तो आप लोग बोलेंगे आई हैव टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। अब देखिए टू जो मैं बोल रहा हूं वो इक्विपमेंट से पहले बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, आई हैव टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। देखिए टू किससे पहले आ रहा है, इक्विपमेंट से पहले आ रहा है या पीस से पहले आ रहा है, मैंने क्या कहा, आई हैव टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। तो आप देख रहे हैं बच्चे जो टू आ रहा है वो पीसेज से पहले आ रहा है, तो मैंने क्या कहा है, आप इनसे पहले 1 2 3 4 का यूज कर सकते हैं, पीस से पहले, स्लाइस से पहले, लोफ से पहले, और जब प्लूरल होगा तो हम क्या बोलेंगे, टू पीसेस, थ्री स्लाइसेस, फोर लोफ्स, वन टाइप ऑफ, टू टाइप्स ऑफ। बच्चे जैसे इनसे पहले 2 3 4 5 6 आएगा तो क्या यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, और जब तक हम बात करें एक की तो हम कहेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो बच्चे आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है। लेकिन एक बात कंफर्म है, इससे पहले कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रिकेज, पोस्टेज, लिगेज, वर्क, वर्ड, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्टेशनरी, बच्चों इनसे पहले कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में 1 2 3 4 कभी नहीं, तो शायद मेरी बात क्लियर ही होगी मैं जो बोलना चाहता हूँ, है ना। तो इनसे पहले कभी 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं लगाएंगे, और जैसे एविडेंस है बच्चे इससे पहले कभी नहीं बोल सकते ही गिव मी वन एविडेंस, या तो हम टाइप का यूज करें, ही गिव मी वन टाइप ऑफ एविडेंस, ही गिव मी टू
टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। अगर बच्चे 2, 3, 4, 5, 6 लगा रहे हैं तो पीसेस लगाएंगे, स्लाइसेस लगाएंगे, लोब्स लगाएंगे, टाइप्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टाइप्स लगाएंगे और क्या काइंड्स लगाएंगे। और दूसरा मुझे बहुत अच्छी बात मुझे बताइए, क्या आप इनसे पहले दीज दोज का यूज कर सकते हैं क्या? बच्चे ये क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इनसे पहले क्या दीज दोज आना चाहिए? बच्चे कभी भी नहीं, इनसे पहले आप कभी दीज दोज का यूज कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दीज दोज प्लुरल होता है और बच्चे ये क्या है, बच्चे ये सिंगुलर है, तो इनसे पहले आप लोग दिस का दैट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस दैट सिंगुलर होता है और ये भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी मैं जो बोल रहा हूँ, तो इनसे पहले कभी भी दीज का और दोज का यूज नहीं करेंगे, ओके? लेकिन बच्चे एक बात बताइए, क्या इनसे पहले, मैं इसको हटा रहा हूं माय डियर, क्या इनसे पहले आप लोग लगा सकते हैं मच और लिटिल? टेल मी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं इन नाउन से पहले, आप लोग यूज कर सकते हैं बच्चे मच एंड बच्चे लिटिल, आप इनसे पहले खूब लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है मेरे बच्चों, और लिटिल भी किसके लिए यूज होता है? लिटिल भी बच्चों किसके लिए? अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो ये भी अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो आप कहेंगे आई हैव मच एडवाइस, आई हैव मच इंफॉर्मेशन, आई हैव मच लगेज, आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल पेट्रोल। तो आप इनसे पहले मच को लिटिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसे पहले देखिए, इनसे पहले कभी भी गलती से भी डोंट यूज, आप इनसे पहले ना तो मैनी लगाएंगे, बिकॉज मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है और ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ना मैनी लगाएंगे और मेरे बच्चों ना ही आप डायरेक्ट फॉर्म में इनसे पहले फ्यू का यूज कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों ये बात तो आपको समझ में आई होगी कंफर्म जो मैं कह रहा हूं, इनसे पहले वही वर्ड हम यूज कर सकते हैं जो अनकाउंटेबल सिंगुलर को डिनोट करता है, मच लिटिल दिस दैट आप खूब लगाएं इनसे पहले। और काउंट करना है तो मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, आप खूब यूज करें जितना आप कर सकते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं जो मैं आप लोगों को कहने चाह रहा हूं, शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, बस मेरी बात को अच्छे से आपको सुनना है। और मैं चाहता हूँ कॉपी पेन उठाकर बैठ लीजिए और जो मैं लिख रहा हूँ बच्चे उसको नोट करिए, मेरी वीडियो को बार बार देखो और उसे आप लिखिए ताकि आप लोग को चीजें क्लियर हो। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करने जा रहा हूं बच्चों, देखिए देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, आई एम राइटिंग एक्चुअली, फर्स्ट सेंटेंस ये है मेरे पास, राहुल Gave me two information. Okay. Rahul gave me two informations. देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस यहां पर उठाया है। सेकेंड सेंटेंस इज दैट दिस एडवाइस आर नॉट fruitful for me, are not fruitful for me now. Let us see next example. Next example देखते हैं मेरे बच्चों, he has 7 furniture. मैंने क्या कहा, he has 7 furnitures to use. देख रहे हैं मैंने कुछ सेंटेंस की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, आप लोगों को मुझे बताना होगा कि यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग। Many animals live in wood. बच्चे क्या वुड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, आई हैव ईटन मैनी ब्रेड्स।
हैव मच लगेजेस. My friend has two furniture. देखिए बनेंगे. देखिए बच्चे, मैंने कुछ सेंटेंस की आप लोग से बात की है, बस इन सेंटेंस को रिवाज से सुनेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज दैट राहुल गेव मी टू इन्फॉर्मेशन. बच्चे पहली बात तो ये है, इन्फॉर्मेशन में आप लोग एस नहीं लगा पाएंगे, दैट इज अराउंड. इन्फॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता. मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट एनी वर्ड इन इंग्लिश. इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता. दूसरी बात बच्चे, क्या इन्फॉर्मेशन से पहले आप लोग 1, 2, 3, 4 का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल आउन है. देखिए राइट सेंटेंस क्या होगा, टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब देखिए जो टू आ रहा है बच्चे, वो पीस से पहले आ रहा है. आप लोग नहीं बोल सकते राहुल गिव मी टू informations, that is wrong. Rahul gave me two pieces of information. Two pieces of information, two types of information, two kinds of information, that will be the right sentence. अगर आपको काउंट करना है, मैंने बताया आपको किसका यूज करना है, पीस का यूज करना है बच्चों, आपको टाइप का यूज करना है, आपको काइंड का यूज करना है. शायद मेरी बात क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा क्या है, देखिए बच्चे, दीज एडवाइस, दैट इज रॉन्ग. अगर आपको दीज का यूज करना है तो देखिए क्या बोलूंगा बच्चों मैं, these types of advice, these pieces of advice, these kinds of advice are not fruitful for me. अब देखिए जब मैं यूज कर रहा हूं दीज टाइप्स, तो बच्चे यहां पर भी तो प्लुरल वर्ब आएगी ना, बिकॉज दीज दोस क्या है, प्लुरल है. तो देखिए मैंने डायरेक्ट फॉर्म में दीज दोस का यूज एडवाइस से पहले नहीं किया है, आई एम यूजिंग दीज दोस बिफोर टाइप्स. तो शायद मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को. These types of advice are not fruitful for me. या फिर बच्चे आप लोग यूज करते तो यूज करते, this advice is not fruitful for me. शायद मेरी बात आप लोग सुन पा रहे. अगर this यूज करेंगे तो back form में advice, information, luggage, baggage, briefcase या uncountable noun है, इनसे पहले आप this और that का यूज खूब कर सकते हैं. तो राइट क्या होगा, या तो हम यूज करेंगे दिस एडवाइस इज नॉट फ्रूटफुल फॉर मी, अदरवाइज दिस टाइप्स ऑफ एडवाइस आर नॉट फ्रूटफुल फॉर मी. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही हैज 7 फर्नीचर्स, दैट इज रॉन्ग. फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता तो एस नहीं आएगा. तो राइट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव 7 टाइप्स ऑफ फर्नीचर, आई हैव 7 काइंड्स ऑफ फर्नीचर, आई हैव 7 पीसेस ऑफ फर्नीचर. जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग यूज करें. ही हैज 7 पीसेस ऑफ फर्नीचर टू यूज. बच्चे फर्नीचर को हम लोग लेने जाते हैं तो फर्नीचर को पीस होते हैं, जो टेबल चेयर है वो क्या है, दीज आर द पीसेस. तो बच्चे फर्नीचर कोई वर्ड नहीं होता, आप लोग फर्नीचर से पहले मैंने कभी नहीं लगाएंगे, 7 डायरेक्ट फॉर्म में कभी नहीं आएगा. तो आई होप सो दैट इज क्लियर. मैनी एनिमल्स लिव इन, क्या बच्चों, वुड, वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल, मैंने ये आप लोगों को बताया. तो मैनी एनिमल्स लिव इन वुड्स, बहुत सारे जो एनिमल्स है बच्चे वो किस में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, क्योंकि वुड्स का मतलब है मेरे बच्चों क्या, फॉरेस्ट. ये सब मैंने अपनी वीडियो में आपको सब कुछ डिस्कस किया है. आई होप सो मेरी बात क्लियर हो रही हो. Next sentence is that I have eaten many breads. बच्चे breads is not any word in English. Right sentence होगा I have eaten many. Many है तो बच्चे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, loaves of bread. Loaves of bread, pieces of bread, kinds of bread, types of bread, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो use करिए. कह रहा है कि मैंने खाए हैं कई सारी bread, लेकिन ये नहीं हो सकते many breads या many bread, that is wrong. दे हैव मच लगेजेस. बच्चे लगेज अनकाउंटेबल आउन है तो मच का और लिटिल का यूज कर सकते हैं, बट लगेजेस इज नॉट एनी वर्ड. दे हैव मच लगेज, दैट इज अ राइट सेंटेंस. एक्चुअली हम लोग जितने भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उससे पहले बच्चों हम लोग आप ये भी बोल सकते थे, दे हैव अ लॉट ऑफ लगेज, दे हैव लॉट्स ऑफ लगेज. अ लॉट ऑफ, ये क्या बच्चे, लॉट्स ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है. अब जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते. They have a lot of luggage. Yeah, you can say they have lots of luggage. They have much luggage. लेकिन luggage is कोई word ही नहीं होता. और count करना है तो कहीं बच्चों क्या, 3 pieces of luggage, 4 pieces of luggage. I hope so मेरी बात clear हुई है.
माय फ्रेंड हैज टू फर्नीचर। अब बच्चे देखिए, मैंने भी कहा है या तो टू काइंड्स ऑफ फर्नीचर, टू पीसीज ऑफ फर्नीचर या टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन ये नहीं हो सकते माय फ्रेंड हैज टू फर्नीचर। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क है, उसे लीटर में लेते हैं। हम लोग कहते हैं आई हैव टू लीटर मिल्क। तो बच्चे जैसे लीटर को, मिल्क को लीटर में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पेट्रोल को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, जितने भी लिक्विड है लीटर में लेते हैं। राइस किस में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं। तो बच्चे ऐसे ही इन नाउन को, एडवाइस को, इंफॉर्मेशन को, लगेज को, बैगेज को, बिगेज को, बच्चे वर्क को, वर्ड को काउंट करने की बच्चों ये यूनिट्स हैं। वो यूनिट्स क्या है, पीस है, स्लाइस है, काइंड है, टाइप है। अब बच्चे मशीनरी की अगर बात करें, देखिए मैं क्या हम लोग बोल सकते हैं आई हैव ए मशीनरी, कभी भी नहीं बच्चों। हम लोग बोलेंगे या तो आई हैव एन आइटम ऑफ मशीनरी या आई हैव वन टाइप ऑफ मशीनरी। लेकिन अगर मशीनरी से पहले, स्टेशन से पहले आपने अगर 1, 2, 3, 4 लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मिसशीप की बात करें, मिसशीप भी मेरे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है। क्या मिसशीप हम लोग कहते हैं, मिसशीप का मतलब समझते हैं ना, मिसशीप मतलब शरारत। हम कहते हैं उसने 2 शरारत की है, उसने 3 शरारत की है। तो बच्चे ये नहीं बोल सकते ही डिड विद मी 2 mischiefs, क्योंकि मिसशीप अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें भी एस यस लगा कर क्लियर नहीं बनेगा। तो शायद मेरी बात क्लियर हुई। क्या बोलेंगे, ही डिड 2 acts ऑफ मिसशीप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ही डिड 2 acts ऑफ मिसशीप। अब देखो मिसशीप को काउंट कर ले, इसमें एक्ट्स, एक्ट्स मतलब बच्चे एक्शन, उसने मेरे साथ एक साथ की है। तो क्या बोलेंगे, ही डिड विद मी एन एक्ट ऑफ मिसशीप। अब एन है तो बच्चे एक्ट्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्ट लगाएंगे। अगर मैंने कहा मैंने एक ब्रेड खाई है, क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन ए पीस ऑफ ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ए काइंड ऑफ ब्रेड। तो शायद बच्चों मेरी बात समझ में आई होगी सब लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस को बच्चे बार बार देखें, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ओके बच्चों, और प्लीज देखिए मैं मुखर्जी नगर और जीटी नगर बच्चों दोनों जगह करियर पावर में क्लासेस लेता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वीडियोज पर बच्चों मेरा नंबर आता है, आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियोज के नीचे बच्चे कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें बच्चों। थैंक यू। और बच्चों कल मिलता हूँ नेक्स्ट रूल के साथ। और बच्चों बस मेरी बात को अच्छे सुनना है और समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।